भारत हमेशा से ही उम्मीदों और संभावनाओं का देश रहा है। अपने ईस्ट के प्रति श्रद्धा भावना से ओतप्रोत लोगों ने तमाम मठ मंदिर मस्जिद और चर्च गुरुद्वारों का निर्माण कराया और उन्हीं के प्रचार प्रसार व बताए हुए रास्ते पर चलने का निर्णय समय समय पर लेते रहे और अपने ईस्ट देवी देवताओं के चाहने पर उनके आशीर्वाद का पात्र कोई व्यक्ति बन जाए तो भारत की संस्कृति में उसे मानो किसी देवदूत से कम नहीं कहा जाता। ऐसे ही एक आशीर्वाद के पात्र माँ काली के भक्त गंगीरी कस्बा गांव रतरोई अलीगढ़ के रहने वाले साहब सिंह छड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। बाबा का दावा है कि माँ काली के आशीर्वाद से वह बीमारियों का हरण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बाबा वर्षों से घातक जानलेवा बीमारियों का इलाज निरंतर कर रहे हैं और ठीक होने वाले पीड़ित एक दूसरे को बताते हैं, जिससे देश भर से उनके पास लोग अपने रोगों का हरण करवाने के लिए आश्रम में आते हैं। विक्रम सिंह, कहाँ से हैं? डी भरतपुर। क्या परेशानी थी? मेरे पेशाब से संबंधित थी जी। फिर उसके बाद में ये एक ऑपरेशन कराए, दो ऑपरेशन हुए, एक भरतपुर में एक जयपुर में। उसके बाद में ये दर्द चालू हो गया। जब ये डॉक्टरों को दिखाया तो वो बोले हड्डी का कैंसर चालू हो गया है, परंतु ये दो तीन दिन से दर्द भी दोबारा से चालू हो गया था। बाबा ने फिर ये छड़ी इस्तेमाल किया, उससे दर्द कम हो रहा है। हाँ, लाभ मिल रहा है। पिताजी के बोन कैंसर है। सबसे पहले क्या हुआ था, पिताजी की परेशानी होती थी टॉयलेट करने में, तो रिपोर्ट कराया तो उसमें मालूम चला कि प्रोस्टेट की परेशानी है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। तो प्रोस्टेट को जब दूरबीन से ऑपरेट कराया तो वो प्रोस्टेट तो ठीक हो गया, लेकिन उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा गया चेक करने के लिए तो उसमें कैंसर आ गया था। यहाँ वो एक महीने रह के गई और जो उनकी हालत थी ऐसा लग रहा था 10-20 दिन उनका मुश्किल होगा जीना, और वो ठीक हो गई यहाँ से। नाम नवल सिंह, डी गोरखपुर। मेरे पिताजी के लंग और पेट में कैंसर है और मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मैं यहाँ लेके आया हूँ। अभी दर्द में रिलीफ है, 40-50 हज़ार रुपये जो है मेरे स्टार्टिंग इलाज कराया था वहाँ से, मुझे पता था यहाँ का, तो मेरे दोस्त के पापा ठीक हो गए हैं तो मैं तुरंत यहीं लेके आया हूँ। तक ग्राम बचीज का रहने वाला हूँ। हमारे गाँव का एक लड़का था, उसे गैंग्रीन बन गई थी, उसने एक साल से इलाज कराया पर बहरहाल कहीं ठीक नहीं हुआ। हम विश्वास है मैया की देन है, ये ठीक हो जाएगा। महाराज ने कह दिया एक हफ्ते रखो, ठीक हो जाओ के लिए। आपको बता दें कि लोगों के अनुसार चमत्कार शब्द आश्चर्य का एहसास जरूर कराता है, लेकिन जब हर जगह नाकामयाबी हासिल हो तो लोग हमेशा चमत्कार की ही आस करते हैं। इसी तरह माँ काली के आशीर्वाद से लोगों की समस्याओं का हरण करने वाले छड़ी वाले बाबा से संवाददाता करतार सिंह बघेल ने साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा किए जा रहे इलाज के तरीकों के बारे में जाना, जहाँ उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। दोस्तों, कहते हैं कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। जैसा कि हमने सभी लोगों से जानने की कोशिश की, उनकी परेशानियां उन्होंने बताई, तमाम लोग अपनी परेशानियों को, जैसे कि कोई प्रोस्टेट की कैंसर से परेशान है, कोई स्तन कैंसर से परेशान है, तमाम तरह की और भी परेशानियों को लोग लेकर आते हैं। हम इस समय मौजूद हैं जिला अलीगढ़ के रतरोई गांव में। मेरे साथ में साहब सिंह बाबा जी, जो छड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, उनके साथ में मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि आखिर जो लोग भरोसा लेकर आते हैं, उनके भरोसे पर बाबा जी कहीं ना कहीं जो एक भरोसा बना हुआ है वो किस तरह का है। बाबा जी, आपका स्वागत है। हाँ, बोले। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो सिलसिला आपका शुरू हुआ वो कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि हजारों लाखों लोगों का भरोसा है आपके ऊपर, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कह रहा, मुझे तो माँ ने शक्ति दी है और मैं तो खाली छड़ी लगाता रहता हूँ। करने वाली माँ है, मेरा ना तो कोई गुरु है ना कोई चेला है, माई गुरु है माई चेला है, जो कुछ है वही है, वही करती है। मैं तो खाली छड़ी लगाता रहता हूँ। आज एक लंबा कारवा बन गया है, कहीं ना कहीं जो परेशानियों से ग्रसित होते हैं लोग वो आपके पास में आते हैं, एक भरोसा आप पर बना हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा अपने भक्तों से कि भरोसा बनाएं और अपना लाभ लें, और क्या। किस तरह के मरीज आपके पास में आते हैं? जैसा मरीज है,
कैंसर भी आता है, किडनी वाले भी आते हैं, हार्ट वाले भी आते हैं। और फिर सबसे बड़ी एक ही बात मैंने आपको बताया कि ईश्वर पर भरोसा है तो कामयाबी है, हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं बाबा जी के बारे में, छड़ी वाले बाबा जी के बारे में जानना चाहते हैं, क्या उनका इतिहास है? इसमें तो यही है, अपना भरोसा करके आए तो कामयाबी हो जाते हैं। नहीं, बाबा जी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, बाबा जी अपने मुंह से अगर कुछ बताना चाहें। जी, छड़ी का राज तो ये है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं कोई भगत किसी को दूं तो मेरे ऊपर आरोप आ सकता है कि लोग इसमें ये कहेंगे कि बाबा इसमें कोई चीज डाल के देते हैं। और अगर मैं हाथ लगाता हूँ किसी के शरीर से तो भी मेरे ऊपर आरोप आ जाएगा, अकेले में बात करूँगा तो भी आरोप आ जाए। इसलिए माने छड़ी बता दिया, जो भाई लकड़ी आओगी लगा तो इसमें तो छड़ी है, अब उसकी मर्जी है कैसे माँ ठीक करती है और कैसे नहीं करती है। कहीं ना कहीं तमाम और मैं महात्माओं की, संतों की बात करूँ तो हमेशा एक कामयाबी के पीछे विरोध भी लोग लेकर चलते हैं, तो बाबा जी को इस ऐसे दिन का भी कभी सामना करना पड़ा है? मुझे तो अभी कोई सामना करना पड़ा नहीं है, आगे उसकी मर्जी है, आगे क्या करें क्या ना करें मुझे कोई बता नहीं बेटा। कुछ अपने जो भरोसा लेकर आते हैं मरीज या तमाम और भी ऐसे ग्रसित लोग हैं जो आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं भाई आना है तो ठीक होना है, मैं और कुछ नहीं जानता। अब मैं लोगों के ये कर जानता हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। आएंगे माँ के हाथ जोड़ेंगे, मैं छड़ी लगाता रहूँ वो ठीक हो जाएंगे बस। और जिसकी आ गई है वो तो बेटा कहीं रुकता नहीं है, वो तो जाना आना सबको है बेटा। शुक्रिया बाबा जी। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं छड़ी वाले बाबा के नाम से जो मशहूर हैं साहब सिंह जी, देवी माँ की अपनी आप पर कृपा है और एक लंबे समय से, काफ़ी वर्षों से आप पर कहीं ना कहीं एक भरोसा है लोगों का, तमाम तरह के मरीज जैसा कि लोगों ने भी बताया। और यहाँ सोमवार को एक ऐसा माहौल रहता है कि मेले का सा माहौल रहता है, लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि तमाम लोगों की परेशानियाँ कहीं ना कहीं जैसे बाबा जी ठीक करते हैं, और लोगों ने कहा भी है कि वो परेशानियाँ जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बाबा जी की छड़ी मात लगाने से वो ठीक हो जाती है। उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की परेशानियाँ लोगों की दूर हों, क्योंकि तमाम लाखों रुपए फूंक कर भी शायद वो परेशानियाँ ठीक नहीं होती, और अगर छड़ी के माध्यम से और देवी माँ की कृपा से अगर ये परेशानियाँ ठीक होती हैं तो इससे बेहतर इलाज कुछ नहीं हो सकता। बाबा के आश्रम में अपनी आंखों का इलाज करा रहे अरुण कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने लगभग 4 से 5 लाख रुपए फूंक दिए। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, शंकर नेत्रालय चेन्नई, लेकिन किसी भी तरह का लाभ उन्हें नहीं मिला। आश्रम में आकर मुझे लाभ मिला है। वहीं आंखों की दिक्कत से जूझ रहे मैनपुरी के सुमित कुमार भी बाबा की तारीफ करते दिखे। इतना ही नहीं, आगरा जिला किरावली की रहने वाली पुष्पा घटिया बाय के दर्द से काफी परेशान है और उन्हें आश्रम में आकर लाभ मिलना शुरू हुआ है। वहीं स्तन कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित मुन्नी देवी और उनके पति दिनेश बाबा के इलाज से संतुष्ट नजर आए। अरुण कुमार श्रीवास्तव। कहाँ से हैं? बिहार से। क्या परेशानी थी आपको? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा था, दोनों आँख के पर्दे जो उस पे स्पॉट हो जाते हैं। अच्छा, और यहाँ के लिए कैसे मालूम पड़ा? जैसे कि मेरे ससुराल में एक डॉक्टर थे, उनको ब्लड कैंसर हुआ था, वो आकर के अपना ट्रीटमेंट कराए थे यहाँ पर, वो ठीक होके गए थे, उनको कहीं से पता मिला था यहाँ का। अच्छा, वही हमको बतला है। अच्छा, अब यहाँ से कितना आपको लाभ हुआ है? अरे सर, इस बार तो 40% फीस आ गया है मेरा। बाएं आँख से तो एकदम जीरो था, लेकिन इस बार तो मतलब कि बाएं आँख से लाइट वगैरह सब दिखाई पड़ रहा है। ये एक्चुअली क्या था कि ये हमारा रेटिना है दिन ब दिन वीक हो रहा है, कोई अलग अलग डॉक्टरों को दिखाए हम, कोई कहता है कि रेटिना में स्पॉट है, कोई कहता है कि रेटिना ना पर्दा सरक रहा है, तो अलग अलग जगह जितना जगह लखनऊ में दिखाया, KGMC में, आगरा में भी दिखाया, मैनपुरी में डॉक्टर को दिखाया कि मतलब रोशनी कुल मिला के ये लगता है कि अच्छा लगने लगा है, मतलब और थोड़ा समय लगेगा, अपने आत्मा को सही करके भेजेंगे। मैया कृपा बनी रहे। तो पुष्पा क्रावली से हैं। क्या समस्या है? गठिया बाय। डॉक्टर को दिखाया था, वो डॉक्टर बोलते थे कि दवाई खाते रहो आराम मिलता रहेगा, दवाई बंद मत करो।
परेशानी, कितनी पीड़ा होती थी उससे? बहुत दर्द होता था, रात में चिल्लाती, हाथ धर रखे रह जाते थे, पैर भी मतलब उठते नहीं थे। अब मुझे थोड़ा लाभ हो गया, काफ़ी लाभ हुआ, मतलब दर्द नहीं होता, चलते समय कम होता है, खड़ी नहीं हो जाता, बस इतना है। नाम मुन्ने दे। कहाँ से है? बिजनौर से। बिजनौर से। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? छाती में कैंसर। कैंसर है। इलाज कहीं कराया उसका? कराया हाँ, बिजनौर भी, ऋषिकेश भी। यहाँ कितना लाभ है आपको? है तो बहुत आराम है मुझे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? आराम मिल रहा है और लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? बस मुझे आराम ही चाहिए, आराम मिल रहा है। बहुत बहुत परेशान हूँ, बहुत टाइम हो गया। चंडीगढ़ गया पहले लेख कैसे मुझे, उन्होंने बोला कि हम इसका पीस निकाल लेंगे और वो बाहर भेज देंगे। इन पर बतरा लाभ, अब जब बरम नहीं है, बरम बहुत था, कुलत नहीं है, बेचैन रहती। आपको बता दें कि बरेली की कुमकुम गठिया और गुर्दे की पथरी की बीमारी से ग्रसित हैं। 14 साल पहले अपने बेटे को लेकर बाबा के आश्रम में आई थी, बेटा ठीक हो गया था, अब खुद अपना इलाज कराने के लिए आई हैं बाबा के दरबार में। एक और मरीज सिरसागंज के जितेंद्र यादव से उनकी बीमारी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि लीवर सोराइसिस की बीमारी है, दारू के कारण उनका लीवर खराब हो चुका है, अब उनको इस गंभीर हालातों से गुजरना पड़ रहा है। घर के लोग दारू के लिए मना करते थे, तब ध्यान नहीं दिया, अब यहाँ इलाज के लिए पहुँचे हैं। हमें गठिया है और गुर्दों में पथरी है, दिल बड़ा हुआ है। डॉक्टरों को दिखाया है? हाँ, बहुत जगह दिखाया है डॉक्टरों को। क्या कहा डॉक्टर? मुझे ही गठिया बताया था। अच्छा, इलाज से कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, इलाज से लाभ नहीं मिला। कितने समय से? इसे तो मेरे लिए कई साल हो गए, हार्ट की शिकायत। अब इतना वो नहीं हो पाया जो हम बड़े डॉक्टरों को दिखाते, वो पूरा भरोसा है। मैं हर किसी को बताती हूँ कि वहीं पर जाओ, वही भरोसा रख के मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे भी आराम है। जी, सिरसागंज से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। क्या परेशानी? लिवर सोरोसिस की प्रॉब्लम थी। है कितनी परेशानी होती थी उससे? परेशानी दर्द वर्द तो नहीं होता था, लेकिन कभी कभी बुखार, वॉमिटिंग, और पीलिया तो हाई लेवल पे था, 8.5। अब रही बात पीलिया की, लोग कहते हैं आँखों में सही मालूम पड़ रहा है, अब बाकी तो उसका वो टेस्ट फायदा महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि लोगों के अनुसार छड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर साहब सिंह बाबा बेहद सरल स्वभाव के हैं। रतरोई गांव में बाबू सिंह यादव के घर उनका जन्म हुआ, फिर साधारण परिवार की तरह शिक्षा दीक्षा हासिल की, उसके बाद मां काली की पूजा के प्रभाव से और उनके आशीर्वाद से उन्हें स्वप्न आया जहां माता रानी ने उन्हें समाज सेवा करने की आज्ञा दी। उन्हीं के आशीर्वाद से लाखों लोगों के रोगों का हरण छड़ी वाले बाबा साहब सिंह कर चुके हैं। कहते हैं कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। छड़ी वाले बाबा साहब सिंह काली माँ के चालीसा का पाठ, जय चामुंडा काली के, जय जगदम्बा यह भक्त है शरण कृपा करहूं अब अम्बा, जय जय काली करालिना मात देहु मोए शक्ति, हाथ जोड़ विनती करूं सहित प्रेम और भक्ति पर भरोसा करते हुए माँ काली द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।